नमस्कार, स्वागत है आपका जनता रंगशन के शो इतना आम बात है में, और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। इस शो में हम आपको रोज के सारे रेप केसेस के बारे में बताते हैं, क्योंकि आपको जानना बहुत जरूरी हो गया है कि हमारे देश की महिलाओं का क्या हाल है। तो हाथ में चाय की कप उठा लीजिए और ये सारे केसेस सुनिए। झारखंड में एक पिता ने नशे की हालत में अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म किया। ये मामला झारखंड के जमशेदपुर के परसोडी थाना क्षेत्र का है। पीड़िता अपने माँ बाप के साथ रहती है, उसके माँ बाप मजदूरी का काम करते हैं। पीड़िता का पिता अक्सर नशे में रहता था, उसे लत थी नशे की। वो अक्सर अपनी पत्नी यानी पीड़िता की माँ के साथ मारपीट करता था। घटना वाले दिन पीड़िता की माँ मजदूरी करने गई थी, घर पर बच्ची थी। तभी नशे की हालत में बच्ची का पिता घर पर आया। घर पहुंच कर पिता ने देखा कि उसकी बेटी घर पर अकेली है, और इसी बात का फायदा उठाकर नशे की हालत में उसने अपनी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची ने बहुत शोर मचाया और इसका विरोध भी किया, लेकिन आरोपी पिता ने बच्ची का मुंह दबाया और फिर उसके साथ दुष्कर्म करता ही रहा। दिन भर तो बच्ची चुप रही। जब रात हुआ तो बच्ची की माँ आई, तो बच्ची ने अपने साथ हुई वारदात के बारे में अपनी माँ को बताया, जिसके बाद पीड़िता की माँ तुरंत शिकायत करने थाने पहुंची। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। जांच में उसने स्वीकार किया कि उसने नशे की हालत में अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। यूपी में एक नाबालिग के साथ तीन लोगों ने गैंग रेप किया और पीड़िता के पिता को रास्ते में ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई, जिसके बाद पीड़िता के परिजनों ने हाईवे जाम कर दिया। ये मामला यूपी के कानपुर का है। आरोपी का नाम दीपू यादव, सौरभ यादव और गोलू यादव है। दीपू और सौरभ भाई है और दोनों का दोस्त है गोलू यादव। दरअसल सोमवार को नाबालिग बच्ची चारा लेने गई थी। वो वहां जैसे गई, आरोपियों ने उसका अपहरण कर लिया। वो लोग बच्ची को एक अनजान जगह पर लेकर गए और वहां उन तीनों आरोपियों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद आरोपियों ने बच्ची को धमकी दी कि अगर वो किसी को कुछ बताएगी तो उसका अंजाम बुरा होगा, जिसके बाद बच्ची बहुत मुश्किलों के बाद सुबह अपने घर पहुंची और सारी बात अपने परिजनों को बताई, जिसके बाद परिजनों ने इस बात की शिकायत मंगलवार को पुलिस में की और पीड़िता को मेडिकल के लिए ले जाया गया। जब टेस्ट हो रहा था तो वहां पुलिस के साथ बच्ची का पिता भी था। जब पिता वापस लौट रहा था तो उसके पिता को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया। और अब पीड़िता के परिजनों का कहना है कि आरोपियों के साथ पुलिस मिली हुई है और उन्हीं लोगों ने बच्चे के पिता को मारा है, क्योंकि तीनों में से दो आरोपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के बेटे हैं। पीड़िता के परिजनों ने गुस्से में कानपुर के हाईवे को जाम कर दिया है और वो न्याय की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा में मुंह बोली बहन से एक भाई रेप करता था और पैसा अटता था। ये मामला हरियाणा के अंबाला का है। पीड़िता एक नाबालिग है। दरअसल पीड़िता के घर के बगल में एक परिवार आया था, जिससे उनकी जान पहचान बढ़ गई थी और दोनों परिवार का एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। और तो और आरोपी पीड़िता से हर साल राखी बनवाता था। पीड़िता के परिजनों ने बताया कि आरोपी पीड़िता के साथ कई समय से रेप कर रहा था। जब पहली बार उसने रेप किया था तो उसने पीड़िता का अश्लील वीडियो बना लिया था और इसी वीडियो के जरिए वो पीड़िता को धमकाता था। धमकी दे के वो पीड़िता से पैसे भी अटता था। वो काफी समय से ऐसा कर रहा था। जब इस बारे में पीड़िता के परिजनों को पता चला तो उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में की। डीएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि नाबालिग के बयान के आधार पर पॉस्को एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं पर मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसमें रेप का आरोप भी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नाबालिग का मेडिकल कराया गया है और पीड़िता का बयान लेकर कार्रवाई की जा रही है। अंत में हम आपको एक राहत देने वाली खबर बताएंगे। बिहार में एक रेप पीड़िता बच्ची को 2 साल बाद इंसाफ मिला और आरोपी टीचर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ये मामला बिहार के हाजीपुर का है। बच्ची की उम्र उस वक्त 12 साल की थी और वो 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। आरोपी का नाम अभिषेक है और दूसरा आरोपी आरोपी शिक्षक का ड्राइवर दोस्त है। बच्चे का पिता बिहार के बाहर हैदराबाद में काम करता था और वो अपनी माँ के साथ घर पर रहकर पढ़ाई करती थी। एक दिन स्कूल की टीचर अभिषेक और उसके ड्राइवर दोस्त ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। उन लोगों ने इस दौरान उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया था। आरोपी बच्ची को धमकी देता था कि वो उसका वीडियो वायरल कर देगा। इस धमकी से पीड़िता डर गई थी, जिसके बाद ब्लैकमेल कर वो पीड़िता के साथ दुष्कर्म करता था। ऐसा 1 साल तक चलता रहा, जिससे बच्ची डिप्रेशन में चली गई थी और फिर परेशान होकर उसने ये बात अपने पिता को बताई, जिसके बाद पीड़िता के पिता ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये मामला पॉस्को की विशेष अदालत में लाया गया और अब 2 साल बाद अदालत ने आरोपी टीचर और उसके दोस्त को मौत तक जेल में रखने की सजा सुनाई है। अदालत ने सजा के साथ हैवान टीचर और उसके दोस्त पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वही 12 साल की उम्र में हैवानियत झेलने वाली पीड़िता के लिए कोर्ट ने 10 लाख के मुआवजे का भी ऐलान किया है।
अब आप चाय की कप नीचे रख सकते हैं और वापस अपने काम पर जा सकते हैं। पर हमारा मकसद ये नहीं, हमारा मकसद है आपके दिमाग में ये बात डालना कि हमारे देश की महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। आगे शो में हम आपको रोज के सारे रेप केसेस के बारे में बताएंगे। इसी के साथ देखते रहे इतना बात है। हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे लाइक करें और ट्विटर पे फॉलो करें। धन्यवाद।